नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलमना बस्ती में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, नागपुर के नागरिकों की प्रशासन से मदद की गुहार। नागपुर में 6 दिन से हो रही बारिश से कई इलाके पानी से लबालब, रास्तों पर भरा पानी तो कुछ घरों में भी घुसा पानी। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों भक्त पहुंचे शिरडी, सुबह की काकड़ आरती से गतिविधियों की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रही बारिश के चलते पूर्व नागपुर के कलमना बस्ती में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है और अब नागपुर कर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूर्व नागपुर के कलमना बस्ती में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। नतीजतन यहां निवासियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर में भले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन नागपुर नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नागपुर में कई जगहों पर बारिश का पानी रुका हुआ है। ये तस्वीर नगर निगम की पोल खोल रही है। नागपुर नगर निगम द्वारा प्री मानसून प्लानिंग के नाम पर यह घोषणा की गई थी। अब नागपुर कर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिचारे सब रात्रभर परेशान होऊन गेले, हा इकडे एवढं पाणी जाऊन राहिलं, सामान इकडे तिकडे झालं, काहीतरी हे करा बाबा। काल पासून पाणी भरला आहे, इथे झोपायला जागा नाही, खावायला जागा काही नाही, इथे काय करा बाबा सांगा। नागपुर इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस को जानकारी मिली थी कि तेलीपुरा इलाके में अवैध शराब बेची जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए इमामवाड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया और उनसे 50 लीटर शराब और 3,270 रुपए की अन्य सामग्री जब्त कर ली है। इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास तेलीपुरा सिरसापेट रमेश सूर्यभान देशमुख के घर अवैध हाट भट्टी की शराब का एक बड़ा स्टॉक है और वह अवैध तरीके से बेचा जाता है। ऐसी जानकारी मिलते ही इमामवाड़ा पुलिस ने निषेध अधिनियम के तहत छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान उनके पास से 50 लीटर शराब और 3,270 रुपए की अन्य सामग्री जब्त की गई और आरोपी रमेश सूर्यभान देशमुख, नीलेश लक्ष्मण देशमुख और गोपाल बाबूलाल कछवा, इन तीनों आरोपियों को महाराष्ट्र निषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को आगे की जांच और आबकारी हिरासत रिमांड के लिए नागपुर में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल रिमांड सुनाई। मेरा नाम विशाल वसंत कोल्ले, उपनिरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क और आवन विभाग नागपुर। आज आम्हाला गुप्त खबर असे प्राप्त झाली की पोलीस स्टेशन विमानवाडा हद्दीमध्ये रमेश सूर्यभान देशमुख याचे राहते घर हनुमान मंदिर जवळ तेलीपुरा सिरसपेट नागपूर येथे अवैध हातभट्टीचा मोठ्या प्रमाणात तो साठाजवळ बाळगून त्याची विक्री करत असतो। त्यानुसार आम्ही त्या मिळालेल्या गुप्त खबरीवरून तिथे छापा मारला असता त्याच्या छापा कारवाईमध्ये तिथे रमेश सूर्यभान देशमुख, नीलेश लक्ष्मण देशमुख व गोपाल बाबूराव कछवा असे 3 इसम तिथे मोका स्थळावरती भेटून आले आणि त्यांच्या ताबे कब्ज्यातून आम्ही 50 लिटर हातभट्टी, मोहादारू तसेच इतर साहित्य असा एकूण आम्ही 3,270 रुपयाचा मुद्देमाल त्यांच्या ताबे कब्ज्यातून जप्त केला आणि त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 कलम 65(e)(83) तसेच भारतीय दंड संहिता 328 कलमान्वये त्यांना अटक करून त्यांना आम्ही माननीय न्यायालयात, कारण की ह्या हातभट्टी जी दारू आहे, ही हातभट्टी दारू निर्मिती करत असताना ही गावठी हातभट्टी दारू आहे, त्याच्यामध्ये गावठी पद्धतीने ती निर्माण केली जाते, त्यामुळे त्याच्यामध्ये कोणते पदार्थ मिळवले जातात काय याचा शोध घेणे जरूरी आहे। कारण कधीकधी त्याच्यामध्ये अंमली नशा येण्याकरता काही विषारी पदार्थसुद्धा त्याच्यामध्ये मिसळले जातात, त्यामुळे मानवी जीवनात त्याची फार मोठी हानी होऊ शकते। त्यामुळे आम्ही त्याच्यावरती भारतीय आमचे माननीय आयुक्त साहेब श्री कांतीलाल उमाप साहेब यांच्या आदेशानुसार त्यांच्यावरती भारतीय दंडसंहिता कलम 328 कारवाई केली आणि त्यांना माननीय प्रथम श्री न्यायदंडाधीश नागपूर यांच्या न्यायालयात पुढील तपासकामी एक्साईज कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता समक्ष हजर केले असता माननीय न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना जामीन अर्ज फेटाळून
जेल रिमांड मंजूर केल्याने सदर आरोपींना मध्यवर्ती कारागृह वर्धा रोड नागपूर येथे रवानगी करण्यात आली आणि या सदर कारवाई जी आहे माननीय आयुक्त श्री कांतीलाल उमप सर राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या आदेशानुसार झाली। तसेच श्री मोहन वर्दे विभागीय उपायुक्त राज्य उत्पादन शुल्क नागपूर विभाग नागपूर तथा श्री सुरेंद्र मनपे अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क नागपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली। सांगली जिले के जतके एक ही परिवार के 3 सदस्य ओमान में समुद्र में लापता हो गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना रविवार दोपहर को हुई, जिसमें शशिकांत महामाने, उनकी 9 साल की बेटी श्रुति और 6 साल का बेटा श्री असलहरों में बह गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना रविवार दोपहर को हुई, जब सांगली जिले के जत तालुका के 3 लोग ओमान में समुद्र की लहरों में बह गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जत के शशिकांत महामाने, उनकी 9 साल की बेटी श्रुति और 6 साल का बेटा श्रेयस लहरों में बह गए। मूल रूप से जत के रहने वाले शशिकांत महामाने पिछले कई सालों से दुबई की एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी सारिका, बेटे श्रेयस, बेटी श्रुति और एक अन्य बेटी के साथ दुबई में रहना था। मयत शशिकांत अपनी पत्नी, बच्चों और दोस्तों के साथ बकरी ईद पर दुबई के पास ओमान देश में घूमने गए थे। नागपुर में 6 दिन से हो रही भारी बारिश से कई इलाके में पानी भर चुका है। कल भी भारी बारिश हुई, जिसमें कामगार नगर, कपिल नगर, दीपक नगर, तेगिया कॉलोनी, गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज, काशीनगर, केजीएन सोसाइटी, हीरोज मैत्री कॉलोनी, कुशीनगर, दीक्षित नगर, यह सभी इलाके पानी से लबालब भर चुके हैं। रास्तों पर पानी भर चुका है और कुछ घरों में भी पानी घुस गया है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आपका स्वागत। हिंगोली जिले के अधिकांश हिस्सों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण औंधा नागनाथ तालुका की मधुमती नदी आज सुबह भर गई। येलेगांव और निशाना के बीच पुल से बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे निशाना और औसदा सहित 3 से 4 गांवों के नागरिकों को यात्रा करने में परेशानी हो रही है, जबकि कई नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। गोरेवाड़ा तालाब नागपुर में हो रही भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद तालाब का पानी रोकने के लिए बनाए गए 4 गेट खोल दिए गए हैं। नागरिकों से निवेदन है कि सावधानी बरतें। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव भक्तों में देखने को मिल रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में साई भक्त शिरडी पहुंचे। हर वर्ष ही गुरु पूर्णिमा के दिन भक्त शिरडी में साई बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। गुरु पूर्णिमा उत्सव भक्तिमय वातावरण में शुरू हुआ और 3 दिवसीय उत्सव है, जो अनादिकाल से शुरू हुआ है। आज गुरु पूर्णिमा का मुख्य दिन है और हजारों की संख्या में साई भक्त शिरडी पहुंचे हैं।
गुरु पूर्णिमा के मुख्य दिन की गतिविधियों की शुरुआत सुबह की काकड़ आरती के साथ हो गई है। जब साईं बाबा जीवित थे तब शुरू हुआ ये त्योहार आज भी शिरडी में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सभी साईं भक्तों को जो साईं बाबा को अपना गुरु मानते हैं वे नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। साईं बाबा संस्थान भक्तों के आवास की देखभाल करता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पैदल ही जुलूस निकालने की प्रथा है। 2 साल के कोरोना काल में सरकारी पाबंदियों के चलते सभी मंदिर बंद कर दिए गए थे और श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सके, लेकिन अब सरकार ने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी समर्थ मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस वक्त भक्तों के चेहरे पर बहुत खुशी देखने को मिली। 2 वर्ष कोरोनाचा काळ होता, त्या काळामध्ये शासनाच्या नियमाप्रमाणे सारी मंदिरं बंद होती। 2 वर्षापर्यंत कुठलेही मंदिर उघडलं नव्हतं आणि त्यानंतर ह्या वर्षाला म्हणजे जो आपल्याला म्हणजे अधिकृत लाभ आपल्याला ह्या वर्षी मिळालेला आहे गुरुपूजनाचा, आणि त्यामुळे ह्यावेळेला म्हणजे मोठ्या संख्येनं सेवेकरी मंडळी या ठिकाणी येऊन आणि ते गुरुपूजन करत आहेत। त्यांचा त्यामुळे या 2 वर्षानंतर जी सेवा करायला मिळते म्हणून त्यांचा आनंद हा द्विगुणित झालेला आहे। तुम्ही आता पाहतच असणार मंदिरात किती भाविकांची गर्दी झाली आहे, किती लोक सद्भावनेने इथे आलेले आहेत। तर निश्चितच ह्या भक्तजनांचा जो समुदाय आलेला आहे त्यावरनं कळेलच की लोकांना सगळ्यांना किती आनंद झालेला आहे। आणि आज ह्या एक मोठ्या श्रेष्ठ पर्वाचा आज गुरु पौर्णिमा आहे, त्यासाठी लोक किती भक्तिभावाने मंदिरात जमले आहेत आणि देवाची पूजा अर्चा करत आहेत यावरून म्हणजे खरोखर सगळ्यांना खूप आनंद झालेला आहे। आणि हा कोरोना परत पुन्हा कधी येऊ नये याची देवाकडे प्रार्थना केली जाते। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। 2 वर्षापूर्वी आम्हाला दर्शन घेण्याचा लाभ मिळाला, त्यामुळे आज इथं कोरोना नसल्यामुळे इथं दर्शनाचा आम्हाला खूप आनंद घेता येतो आहे। आणि इथं आल्यावरती आम्हाला खूप चांगलं वाटतंय, कारण 2 वर्ष अगोदर आम्हाला तेवढं दर्शन वगैरे घेताना आलं आणि आज गुरुपौर्णिमा असल्यामुळे इथं आज येऊन प्रत्यक्ष सगळं गर्दीमध्ये असं नाही, काही टेन्शन वाटत नाही, आधी कोरोनासारखं होतं तर। आणि आज एकदम मनाने सगळं टेन्शन दूर झालंय कोरोनाचं, तर चांगलं दर्शन झालंय, एकदम छान वाटतंय। VKB न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।